बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज पोएम इज दैट इज द थर्ड नंबर लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। ए हाउसमैन की ये पोएम है। पहले जरा पोएट का तारफ पढ़ लें। इंग्लैंड में पैदा हुआ और इसका टाइम स्पैन है आपके सामने है। उसके बाद ग्रीक और रोमन क्लासिक का प्रोफेसर पढ़ा इसने, बाद में प्रोफेसर भी रहा यूसी कॉलेज लंदन में। ये एस्टीम्ड एक इंस्टीट्यूट है लंदन का, यूसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इंग्लिश स्कॉलर और पोएट भी था और दो बड़े वॉल्यूम इसने लिखे, श्रॉपशायर लैड और लास्ट पोएम्स। और ये पोएम जो है ज्यादातर इसकी पोएम लिरिकल है, यानी कि उसमें इमोशंस की बात की गई है, म्यूजिक है, रिदम है जिसमें राइमिंग स्कीम होते हैं। ओड्स है, ये क्या होगा, सॉन्ग होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं मुमी तौर पे। एलिजी जो है ना, किसी की डेथ पे जो पोएम पढ़ी जाती है उसको हम मर्सिया कहते हैं उर्दू में। सोनेट जो है ये स्पेसिफिक पोएम है जो इंग्लिश लिटरेचर में पाई जाती है, 40 लाइन की पोएम होती है और ये भी लिरिकल पोएम होती है। ये जो ना वो पेट्रार्च इसका बानी था और बाद में शेक्सपियर ने इसको रूज पे पहुंचाया। ये पोएम इसकी रोमांटिक पैसिमिज्म में है, यानी कि रोमांस में, रोमांटिसिज्म में फेलियर ये कॉमन है। जैसे आपने बरेसगीर के जितने भी आप शायर पढ़ते हैं वो क्या होगा, वो आप इस तरह से देखते हैं रोमांटिक पैसिमिज्म के हवाले से। सिंपल स्टाइल है, पास्टल ब्यूटी ज्यादातर देहाती ब्यूटी को बयान करता है। और इरेस्पॉन्सिबल लव, यानी कि जब जैसे आप बरेसगीर के शायरों को देखें तो सभी में अपने महबूब के साथ उसको शिकायत होती है कि वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो ऐसे लव को हम इरेस्पॉन्सिव लव कहते हैं। तो इरेस्पॉन्सिव लव जो है वो इसका कॉमन हॉल मार्क है, इस क्या होगा इसकी पोएट्री का। फ्लीटिंग यूथ, जाती जवानियां, यानी कि तेजी से गुजरती हुई जवानी भी इसका मौजू है। और उसके बाद ग्रीफ, डेथ और पैट्रियटिज्म, ये कॉमन मौजूआत है उसकी पोएट्री में। लेट्स सी जी वो किस तरह से बयान करता है इस पोएम को, देखते हैं हम। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाव एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड वेयरिंग ईस्टर वाइट फॉर ईस्टर टाइड। अब यहाँ पे जो चेरी ट्री है, चेरी तो आपको पता ही है ना, चेरी ट्री ये चेरी का फ्रूट है। और कहता है कि वो चेरी ट्री है, द हंग लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से ट्री को या कौन सी चीज को वो क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, वो कौन सा है, चेरी है। और चेरी ट्री को क्या कह रहा है, वो चेरी ट्री क्या है, वो बहुत खूबसूरत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो इसका मतलब चेरी ट्री को वो क्या करता है, सबसे खूबसूरत जो है ना वो दरख्त डिक्लेयर कर। अब इससे मुराद क्या ले रहा है ये चेरी ट्री से, इससे मुराद उसकी होल नेचर है जो मुराद ले रहा है। जैसे अगली स्लाइड में अगर देखें तो अगली लाइन में वो क्या कहता है, इज हंग ब्लूम अलोंग द बाव, दरख्तों के साथ साथ क्या है, फ्लावर लगे हुए हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो यानी थोड़े से वो पिंकिश टाइप होते हैं, तो वो क्या है, दरख्तों के साथ लगे हुए फ्लावर्स हैं। इसका मतलब है ये कौन सा सीजन है, कौन सा सीजन है जिसमें फ्लावर जो ना पेयर होते हैं, स्प्रिंग सीजन है। और स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, ये खड़े हैं रास्ते में, कहां पे, वुडलैंड राइड, जो क्या होगा, पुराना जो रास्ता है जो इस्तेमाल नहीं होता। ये जरा वर्ड देख लें, ये सारी हेल्पिंग बुक्स में वुडलैंड राइड से मुराद ये लिया गया है कि ये शायद पोएट जो है वो राइड करके, घोड सवारी करके वो जा रहा था जंगल में, जहां भी उसे चेरी ट्री नजर आया। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इंग्लैंड में जो वुडलैंड राइड से मुराद ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द दरख्त मौजूद हों और पुराना को तर्ज का, पुराना जो है ना वो रास्ता हो उसके लिए, जो कम यूज होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और देहाती एरिया में। इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी पोइट्री का हॉलमार्क क्या है, इसकी पोइट्री का हॉलमार्क ये है कि वो क्या करता है, वो ज्यादातर जो है ना वो क्या यूज करता है,
वो पास्टल ब्यूटी इस्तेमाल करता है, विलेज की लाइफ को वो ज्यादा क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी पोएट्री में। एंड अबाउट द वुडलैंड राइड वेयरिंग ईस्टर फॉर ईस्टर टाइट, ये ऐसे है जैसे क्या हो ईस्टर के लिए क्रिश्चियन तैयार होते हैं। ईस्टर जो है नहीं उनका त्योहार है, आप पिछले दिनों उन्होंने सेलिब्रेट किया था ईस्टर, आपको पता होगा, पता नहीं ईस्टर का सभी को क्या बच्चों, एनीवन नोस अबाउट ईस्टर? चलिए पता रखा करें। ईस्टर जो है ना ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है, हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में ईसाइयों का नजरिया है कि ही वाज क्रूसिफाइड, पता है कि नहीं पता, यानी उनको फांसी चढ़ा दिया गया था, उनका अकीदा है, और वो फांसी चढ़ने के बाद दोबारा से जिंदा हो गए। इस दोबारा से जिंदा होने को रेजरेक्शन कहते हैं, और उस डे को सेलिब्रेट करते हैं वो। ये सेलिब्रेशन जो होती है ये 21 मार्च के बाद, 21 मार्च से 24 अप्रैल के दरमियान जब भी 14वीं रात का चांद नजर आए, यानी 14वीं रात का जो चांद हो, उसके बाद जो पहला संडे आएगा वो ईस्टर होता है, ठीक है। 21 मार्च और 24 अप्रैल के दौरान 14वीं रात का फुल मून कहते हैं उसको, 14वीं रात के चांद, फुल मून के बाद जो पहला संडे आएगा उसको ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर जो है वो किस लिए मनाया जाता है, ये समझ ले उनकी ईद होती है। ये मनाया जाता है ईसा अलैहि सलाम के दोबारा रिजरेक्ट करने पे, यानी दोबारा उठने पे, जिंदा हो जाने। तो इसको मनाने के लिए जो डे मनाते हैं उसको वो ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर पे वैसे भी क्रिश्चियन जो उनके रिलीजियस जो लोग होते हैं वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, और इस पे खास तौर पे वो वाइट ड्रेस पहनते हैं ईस्टर, और ये शो करता है उनकी सिंपलिसिटी को, क्योंकि हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है वो सिंपलिसिटी के कायल थे, उनकी मजहबी तौर पे भी सिंपलिसिटी है। जैसे आप देखते हैं क्या होगा, आप देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में सिंपलिसिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आप चाहे जितने मर्जी अमीर हैं, क्या होगा, आप जितने चाहे मर्जी अमीर हैं, आपको सिंपल लाइफ जो है ना वो गुजारने पर वो तलकीन की जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, ये सिंपलिसिटी की लाइफ को यहाँ पे बयान किया गया है। वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, तो ये खास तौर पे उसके साथ रिजरेक्शन के साथ एसोसिएटेड। उसके बाद कहता है नाउ ऑफ माय 3 score years and 10 20 विल नेवर कम अगेन। क्या होगा, मेरे 70 साल में से, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में भी कलरिंग इन द स्काई में, इंसान की औसत तो उम्र कितनी है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, 70 years। और कहता है कि मेरे 70 साल में से 20 will not come again, 20 साल दोबारा नहीं आएंगे। इसका मतलब है पोएट किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी उम्र कितनी है इस वक्त, 20 साल है। 20 will not come again, 20 जो है वो 20 वापस नहीं आएंगे, यानी गुजर चुके हैं। एंड फ्रॉम द 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, और अगर 70 में से एक स्कोर निकाल दिया जाए, स्कोर कहते हैं 20 साल को, अगर 70 में से एक स्कोर निकाल दिया जाए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो ये सिर्फ कितने बचते हैं, 50 साल और बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ के, यानी अब जरा देखिएगा साल की जगह पे उसने क्या इस्तेमाल किया, क्या भाई साल की जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, मोर, नहीं नहीं, साल की जगह पे 70 स्प्रिंग्स, साल की जगह पे क्या इस्तेमाल किया उसने, स्प्रिंग का वर्ड इस्तेमाल किया। तो यानी के किसी चीज को किसी यूनिट के जरिए से हम पूरी चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, सिनेकडोशे कहते हैं। तो यहाँ पे वो सिनेकडोशे इस्तेमाल करता है स्प्रिंग के जरिए से पूरे साल को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर हो गया, तो वो कहता है यानी इंसान की, यहाँ पे क्या चीज डिस्कस कर रहा है वो, इंसान की टेम्परेरी लाइफ को, इंसान की जिंदगी क्या है, बहुत छोटी है, और उसके क्या है
वो छोटी लाइफ में वो इंजॉय नहीं, वो मैंने इंजॉय नहीं किया तो इसका मतलब मैंने जाया कर दिए। नेचर की ब्यूटी इतनी खूबसूरत है या इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नेचर है कि इंसान की जिंदगी उसके मुकाबले में छोटी है। तो अब जरा देखिएगा कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसान की टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ को बताया। पहले स्टेंजा में उसने जिक्र किया किसका, चेरी ट्री का, कि चेरी ट्री बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है नेचर को, तो चेरी ट्री के जरिए से पूरी नेचर को उसने बयान किया। लेकिन दूसरे स्टेंजा में बताया कि नेचर खूबसूरत है लेकिन इंसान की जिंदगी उसके मुकाबले में छोटी है। कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन में वो इंसान की जिंदगी को कहता है कि बहुत छोटी है। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, ये 50 साल बचे हैं, 50 साल में मैं जिंदगी को या खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि इसके मेन थीम है कि जवान तेजी से गुजरती ही जिंदगी, इसका मेन थीम है इसकी पोएट्री का। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि वो मेन थीम उसने इस्तेमाल किया हुआ। यहाँ पे क्या होगा उसके बाद कहता है, एंड सिंस लुक एट द थिंग, जरा पहले जरा देखिएगा स्टैंजा स्ट्रक्चर्स पे। नाउ बाउ राइट टाइट, ये क्या कहते हैं इन वर्ड्स को जो आपस में हम काफिया होते हैं, आपस में मिलते हैं। अब क्या कहते हैं इसको, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, नाउ किसके साथ मिल रहा है, बाउ के साथ। तो क्या होगा, नाउ और बाउ ये ए ए, राइड और टाइड बी बी। तो ऐसे स्टेंजा को हम कहते हैं कि स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए ए और बी बी। और अगर दो शेर आपस में राइम्ड हो तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉपलेट शेर है। यानी कपल से निकला है कॉपलेट, यानी दो शेर आपस में राइम्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरी बात, अगर दो शेर आपस में राइम हो उनको कॉपलेट शेर, जैसे यहाँ पे देखें ना, नाव और बाव ये राइम्ड है, इनको कॉपलेट कहते हैं। कॉपलेट शेर जो है वो दो शेर आपस में जब राइम्ड होते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम अगर स्टेंजा की देखी जाए तो क्या होगा, ए ए बी बी हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे गौर कीजिएगा, वेयरिंग व्हाइट फॉर ईस्टर टाइट, अब व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं ईस्टर के लिए। जरा बताइएगा किसको उसने वेयरिंग की क्वालिटी दे दी, कौन वेयरिंग कर रहे हैं व्हाइट फॉर ईस्टर टाइट, क्रिश्चियन। पीछे बात किसकी हो रही थी, ट्री की। और ट्री ने क्या किया हुआ है, वेयरिंग फॉर ईस्टर टाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कौन सी क्वालिटी दे दी उसको, ह्यूमन वाली। ह्यूमन वाली क्वालिटी देना क्या कहलाता है, परसोनिफिकेशन। उसने क्या यूज किया, परसोनिफिकेशन इस्तेमाल किया। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड, स्टैंड है, खड़ा होना भी किसकी क्वालिटी होती है, ह्यूमन की। तो ये भी क्या किया उसने, परसोनिफाइड। यहाँ पे लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी, नो चेरी ट्री किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, नेचर को, सारी ह्यूमन नेचर, सारी नेचर को। तो ये क्या कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी आइडिया को शो करती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिंबलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंबलिज्म। तो हम कहेंगे कि चेरी ट्री यहाँ पे सिंबल है किसकी, पूरी नेचर की ब्यूटी। क्लियर हो गया बच्चों, जी। यहाँ पे दूसरी बात जो देखनी है, यहाँ पे वो रिजेंबल करवा रहा है व्हाइट फ्लावर को व्हाइट ड्रेस के साथ क्रिश्चियन। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसका क्या शो कर रहा है, क्रिश्चियन बेंट ऑफ माइंड को शो कर रहा है, ठीक है, क्रिश्चियन बेंट ऑफ माइंड को शो कर रहा है। यहाँ पे राइमिंग स्कीम उसकी बदल गई, I score 3 scores here and 10, 20 will not come again.
एंड स्कोर अर मोर, यानी पहले में स्कीम और है, ए दूसरा मिलता है अगेन नहीं बी, और तीसरा स्कोर और मोर सी सी। इसकी स्कीम क्या हो जाएगी राइमिंग स्कीम, ए बी सी और सी वाला फिर चौथे से मिलता है फिर सी हो जाए। क्लियर हो गया इसकी राइमिंग स्कीम, समझ आ गई? जी। उसके बाद है 20 विल नॉट गेन 70 स्प्रिंग। स्प्रिंग का मैंने बता दिया आपको कि जब हमने क्या यूज करना होगा, जब आपने इस्तेमाल करना होगा क्या चीज, कि जब हमने एक यूनिट से होल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये स्निग्धोषी इस्तेमाल किया। जैसे मैं कहता हूं कि क्या होगा हमारा दरवाजा, या ऐसे समझ लें हॉस्पिटल ने आपको ट्रीट किया, तो क्या हॉस्पिटल ट्रीट करता है या डॉक्टर ट्रीट करता है? डॉक्टर। हमने हॉस्पिटल के जरिए से यूनिट को डिफाइन किया, हॉस्पिटल बड़ा है और डॉक्टर बड़ा है, हॉस्पिटल बड़ा है, तो हमने छोटी चीज को बड़ी चीज से दिखाया। या हम कहेंगे कि इस्लामाबाद ने दिल्ली दिल्ली को वॉर्न किया है, तो आप जरा बताइएगा इस्लामाबाद बड़ा है या पाकिस्तान बड़ा है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बड़ी यूनिट को हमने सिंगल से दिखा दिया, तो इसको हम कहते हैं स्निग्धोषी, कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच है स्निग्धोषी। तो यहाँ पे वो स्प्रिंग का वर्ड इस्तेमाल करके स्निग्धोषी इस्तेमाल करता है। 50 स्प्रिंग्स मोर, ये 50 साल बचते हैं, तो क्या होगा? And since to look at the things in bloom, और अगर जोबन पे जवानी पे चीजों को देखें, 50 springs a little room, ये थोड़ा सा वक्त है, room से मुराद यहाँ पे time है, ये थोड़ा सा वक्त है 50. Bloom और room आपस में क्या है? Rhymed word. और उसके बाद about the word. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या शिकायत कर रहा है कि human life is very short. But God's art is very long. Art is long, but man's life is short. इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी है, छोटी है, लेकिन नेचर जो है ना वो बहुत बड़ी। आज हम देखते हैं कि ग्रीक की बहुत सारी बाकियात हमें मिलती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें मिलती हैं, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की चीजें हमें मिल पाती हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स मरने वाले डायनोसार के फॉसिल्स मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन को इंडिकेट करती हैं, वो मिल जाती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो वो कौन है? वो इंसान। इंसान की जिंदगी अनसर्टेन है, और वो क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। और ये क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे वो बता रही है कि मैन शुड बी क्या होना चाहिए उसको, अपनी इस जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए, जो यहाँ पे क्रिश्चियन टेक्स्टर हमें वो बता रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन आइडिया को उसने बयान किया ईस्टर के जरिए। वो अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, विल गो है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो जरूर जाएगा, आई के साथ विल लगाया है, स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया। वुडलैंड में मैं जरूर जाऊंगा, आई सी द चेरीज हंग विद स्नो, और मैं चेरी ट्री को देखूंगा जो किसके साथ लटका हुआ, उसके साथ क्या लटका हुआ, स्नो लटकी हुई। क्या मतलब स्नो लटके होने से मेरा? चेरी ट्री किस में कवर्ड है? व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स, और व्हाइट फ्लावर्स में कवर्ड है, तो स्नो के साथ क्या मुशाबत दे रहा है, इसको हम क्या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? शाबाश, क्या बताएगा जी? स्नो के जरिए से उसने व्हाइट फ्लावर को एक्सप्रेस किया। मेटाफर, वेरी गुड। ये मेटाफर है, किसी को एक जैसी चीज से करार दे देना सिमिली है, और उस जैसा कह देना क्या है, मेटाफर है। He is a lion, ये मेटाफर है, और he is brave as a lion, ये सिमिली है। और ये असल में मेटाफर और सिमिली में ये फर्क होता है कि मेटाफर इम्प्लाइड होता है, यहाँ पे सोच रहे होते हैं आप खुद, और जबकि जो सिमिली होती है ये हम पहले एक्सप्रेस कर देते हैं, सिमिली में हम एक्सप्रेस कर देते हैं। मसलन कैसे भला, सिमिली में क्या होगा, ही इज एज ब्यूटीफुल एज द मून,
यहाँ पे हमने पहले ही कह दिया कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ब्यूटीफुल होने की। लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज अ मून, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने पहले बताया नहीं, लेकिन वहां पे हमें क्या हुआ, बताने के बगैर भी हमें सोच के हम समझेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो थी पॉइंट। मेटाफर के बारे में क्या है? मेटाफर मैंने बताया कि इंप्लॉयड होता है, यानी सोच रहे होते हैं। पर करो, जब मैं कहता हूं कि ही इज अ लाइन, तो मैं उस बंदे और लाइन के दरमियान बहुत सारी क्वालिटीज को थिंक करूंगा। उसमें बहादुरी है, उसमें ये है, उसमें खून खारी है, उसमें ये है, उसमें फलां है, उसमें ये है। समझ आ गई बात? yes. अगर वो मैं कहता हूं कि ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, तो इसका मतलब मैंने उस क्वालिटी को स्पेसिफिक कर दिया कि ये दोनों के दरमियान सिमिलरिटी क्या है, ब्रेव होने की। तो सिमिली और मेटाफर में इतना ही फर्क होता है कि मेटाफर इंप्लाइड होता है, हम खुद सोच रहे होते हैं, और सिमिली जो है वो इंप्लाइड नहीं होती, वो डायरेक्टली कंपैरिजन होता है। वो समझ ले, वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन समझ ले, वो डायरेक्ट कंपैरिजन समझ ले। क्लियर हो गया बच्चों? यस जी, यस सर। ओके, अब चलते हैं। ये है जो आपको, जिसको हम कहते हैं वुडलैंड राइड, यानी पुराना रास्ता, जो देहात का हो उसको यूज करते हैं। अब जरा देखिएगा जी, रेफरेंस आपने किस तरह से यूज करना है। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उसका नाम लिख देना है। इसके टाइटल के तमाम अल्फाबेट कैपिटल होने चाहिए, सिवाय प्रेपोजिशन के और कंजंक्शन के और आर्टिकल्स। क्या क्या बताया मैंने? तमाम अल्फाबेट कैपिटलाइज होने चाहिए टाइटल के, सिवाय प्रेपोजिशन, जैसे ऑफ है, कंजंक्शन या एंड वगैरह है, और डिटर्मिनर या आर्टिकल। इसमें आपने क्या करना है, क्या होगा? अब ये आपका रेफरेंस हो गया। रेफरेंस में आपने ये कैपिटलाइजेशन का जो मैंने बताया, आपके पोएट का नाम लिखना है, ये भी कैपिटलाइज होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये बैकग्राउंड होगा, समरी होगी, या वैसे हमारे यहाँ समरी इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है कॉन्टेक्स्ट का, कि जो चीज जिसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है उसके लिए हम यूज करते हैं जी। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने समरी अगर देखें, तो चेरी ट्री इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग नेचर। फैसिनेटिंग नेचर क्या होगा, उसको ब्यूटीफाई करते हैं। इट रिजेंबल्स द क्रिसेंट ड्रेस फॉर ईस्टर। मैन्स लाइफ इज टू शॉर्ट टू एंजॉय, जिंदगी बहुत छोटी है उसकी जो एंजॉय नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा, इट इज फाउंड इन चेरी ट्री, द पोएट विशेस टू हैव अ वुडलैंड टू, क्या होगा, हैव अ विजिट, या क्या होगा, वुडलैंड विजिट टू हैव इट, उसे एंजॉय करने। ये तो उसकी समराइज होगी, ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन में हमने पहले हिस्से में आपकी पैराफ्रेज करनी है, दूसरे हिस्से में क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि यहाँ पे कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेन आइडिया क्या है इस पे, और आखिर में फिगर ऑफ स्पीच को बताना है, सिमिली कहाँ पे है, मेटाफर कहाँ पे है, सिमिली मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, किस लिए यूज करते हैं हम, कोई बताएगा हमें से? एनहांस द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस, एनहांस द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट, उस चीज का कॉन्सेप्ट या इमेजिनेशन या इमेजिनरी जिसको हम कहते हैं, उसकी इमेजिनरी हम जहन में क्या बना देते हैं, अच्छी बना देते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूं कि हिज कलर इज रेड, तो ये इमेजिनरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर मैं कहता हूं हिज कलर इज एज रेड एज अ वाइन, इसका मतलब उसकी इमेजिनरी रेड कलर की क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो यानी कि हमारे जहन में जो इमेज बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब हम क्या यूज करते हैं, सिमिली इस्तेमाल करते हैं, मेटाफर इस्तेमाल करते हैं और पर्सोनिफिकेशन लगाते हैं। एसोनेंस होता है और ओनोमेटोपोए, जो सेम साउंड सेम आवाज, जैसे चिरपिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल करें, इसी तरह से कोई और साउंड जो हसलिंग रसलिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल करें, तो सेम साउंड सेम वॉइस जो है ना वो उसको हम ओनोमेटोपोए कहते हैं। और एसोनेंस ये वॉल का सेम इस्तेमाल होना होता है। एक एलिट्रेशन होती है जो पहले अल्फाबेट जो ना वो इस्तेमाल होते हैं, ये सारे म्यूजिकलिटी देते हैं, ये वर्ड की म्यूजिकलिटी को शो करते हैं, यानी उसमें म्यूजिक देते हैं उस लाइंस को, पोइट्री को। अपोस्ट्रोफी जो है ये भी उसके इमेज को, जो सामने चीज गायब हो लेकिन उसको बंदा सामने मुखातब करके बोल रहा होता है, उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं।
सिनेकडोशे मैंने आपको बता दी। तो इनको ज्यादा इमेजिनेशन या ज्यादा क्लैरिटी ऑफ इमेजिनरी के लिए यूज करते हैं, वहां पे हर फंक्शन या फिगर ऑफ स्पीच के साथ लिखते हैं। और एंड पे आपने रिदम लिखना है कि इसमें रिदम क्या है, जिसमें राइमिंग स्कीम हो वो समझ लें ये रिदमिकल लाइन है, जिसमें राइमिंग स्कीम ना हो इसका मतलब वो रिदम नहीं है, उसमें कोई थॉट बयान किया गया। थॉट हमेशा रिदमिकल नहीं होता, म्यूजिक हमेशा रिदमिकल होता है, तो इसका मतलब म्यूजिकलिटी उसमें ज्यादा है और लिरिकल जो ना वो लाइन्स हैं ये बयान करेगा। इस तरह से आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सी जी, आपने सेंटेंस कंप्लीशन करनी है जब तक कि मीटिंग एंड नहीं होती, बाकी आपने खुद करने हैं। अंडर द मीटिंग एंड्स यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, कम ऑन। नाइस सेंटेंस, दिस इज द सिंबॉलिक पॉइंट, इट इज अ सिंबॉलिक बाकी नहीं बोलना, जस्ट वर्ब। इट शोज जी, तो क्या होगा, कौन शो कर रहा है क्लाइमेक्स को? पोइम नहीं, चेरी ट्री है। चेरी ट्री शोस, चेरी ट्री जी, ब्लॉसम। तो कीर अपना माइक बंद कर ले बेटा, आपकी आवाज आ रही है जी। क्या होगा, इट इज ब्लॉसम्ड विद फ्लावर्स, इट इज ब्लॉसम्ड विद फ्लावर्स, लेकिन क्या मसला है इसको? खूबसूरती तो है, लेकिन खूबसूरती तो है, लेकिन किसका खतरा है? डेथ का और शॉर्टेज ऑफ लाइफ। जरा मैं इसको दोबारा से आपको रिजरेक्शन पे लेके जाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी जब वो दुनिया से उठा लिए गए, उनकी उम्र थी 33 इयर्स, यानी अपने जिंदगी के जोबन पर थे, और जब उनको दुनिया से उठाया गया, तो यहाँ पे पोएट या ये भी कहना चाह रहा है कि जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवानी में उठा लिए गए, सिमिलरली इंसान जो है वो क्या करता है, अपने जोबन की लाइफ में उठा लिया जाता है, उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा मौत का है और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ या शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी शाबाश, describes, come on, क्या बनेगा सेंटेंस? सिर्फ वो बोलना है, मैंने बताया सिर्फ वो बोलना है। द पोएट डिस्क्राइब एंड सिंबलाइज, चेरी ट्री इज द लवलीस्ट ट्री, चेरी ट्री क्या होगा, इज द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज। It represents beautiful nature. और आगे इस तरह से आपने कोई कोट लिखा, इस तरह से आई थिंक अ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। जी लोडेड विद व्हाइट फ्लावर्स, इट इज लोडेड, बार बार चेरी ट्री नहीं लगाएंगे, क्या होगा, इट इज लोडेड होगा। कमान, इट इज स्प्रिंग सीजन। He observes the beauty of natural world. Okay, his life is at peak, yeah, at prime.
जी, तो क्या होगा उसकी लाइफ क्या है, प्राइम में है, पीक पे है, और उसके बाद जी कब होता है, इट टेक्स प्लेस इन स्प्रिंग और इट इज लेट इन किसमें, इट इज लेट इन इंग्लैंड में स्प्रिंग जो ना वो लेट होता है, मार्च के एंड तक चला जाता है और अप्रैल तक चला जाता है जी। उसके बाद है ये किस चीज की सिंबल है, इट इज सिंबल ऑफ ऑड बर्थ, ऑड बर्थ की सिंबल है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वहां पे एएमआर लगा रहे हैं, जहाँ पे वर्ब है वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश, इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, जब एक मौत एक जिंदगी जाती है तो नई जिंदगी जन्म लेती है, ये कुदरत का असूल है, जहाँ पे एक जिंदगी नई जिंदगी को जन्म देती है तो यहाँ पे भी क्या है, पोएट यहाँ पे वही बता रहा है कि ये जो स्प्रिंग है नई जिंदगी का जन्म है, एक तरफ ईसा अलैहि सलाम चले गए इस दुनिया से तो एक नई दुनिया जो है नए दिन नए सिरे से एक जो ना वो रीबर्थ हुआ, इसी तरह से इंसान की जिंदगी है जी। कौन रिप्रेजेंट कर रहा यूथ ऑफ क्राइस्ट, ये चैरिट्री रिप्रेजेंट यूथ ऑफ क्राइस्ट, जी उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला, क्या होगा, इट रिप्रेजेंट क्या होगा इन द वुडलैंड, कौन परसोनिफाई कर, पोएट परसोनिफाई कर जी, क्या होगा इट्स यूज स्टैंड्स फॉर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईसा अलैहि सलाम के जोबन को, शाबाश, इट मींस दैट इट हैज टू इंटरप्रिटेशन, ये जो मैंने बताया था आमतौर पे सोचा जा सकता है कि द पोएट इज गोइंग टू फॉरेस्ट ऑन हिज हॉर्स बैक, और क्या होगा दैट मे बी नियर टू द पैसेज टू द फॉरेस्ट, ये भी हो सकता है, और इनफैक्ट क्या है, वहां पे आपने सिमिलर कोट लिख देना है, वहां पे आपने सिमिलर कोट लिख देना है, कैसे, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किन, इस तरह से। अब यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस